डीडवाना उपखंड स्तरीय जनसुनवाई हंगामेदार रही। जनसुनवाई का आयोजन अस्पताल चौराहे के पास स्थित पंचायत समिति भवन के राजीव गांधी सेवा केंद्र सभागार में हुआ। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई हंगामेदार रही। जनसुनवाई आरंभ होते ही विधायक यूनुस खान ने जमकर जनसुनवाई में हंगामा किया। वहीं कई मुद्दे इस जनसुनवाई में छाए रहे। जनसुनवाई सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई। जनसुनवाई में तमाम उपखंड स्तरीय अधिकारी सभी विभागों के मौजूद रहे। जनसुनवाई में 229 प्रकरण कस्टोडियन भूमि, 88 प्रकरण अलग अलग विभागों के दर्ज किए गए, जिसमें पुलिस विभाग का 1 प्रकरण, नहरी विभाग के 3 प्रकरण, राजस्व विभाग के 19 प्रकरण, जलदाय विभाग के 19 प्रकरण, पंचायती राज विभाग के 14 प्रकरण, नगर परिषद के 11 प्रकरण, विद्युत विभाग के 15 प्रकरण, पीडब्ल्यूडी विभाग के 9 प्रकरण, चिकित्सा विभाग का 1 प्रकरण, पशुपालन विभाग का 1 प्रकरण और शिक्षा विभाग के 4 प्रकरण दर्ज किए गए। जिला कलेक्टर ने सभी प्रकरणों के निस्तारण करने को लेकर और जल्द से जल्द समस्या के समाधान करने को लेकर तमाम संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने 229 कस्टोडियन भूमियों के प्रकरणों पर कहा इस मामले में अलग से बैठकर बातचीत की जाएगी और इन प्रकरणों को सुना जाएगा, जल्द इनका निस्तारण कराया जाएगा। बाकी 88 प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण करने हेतु सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य सरकार के निर्देश हैं कि दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की जाए। आज मुझे जनप्रतिनिधि और विधायक होने के नाते निमंत्रण मिला और जनता का जिस तरीके से आपने खुद में देखा होगा कि आज समस्याएं लेकर के आई, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और ये जो निष्क्रांत भूमि है उससे जुड़े हुए प्रकरण 20 गांवों के हैं। हजारों लोग इससे पीड़ित हैं और वर्षों से ये राज्य सरकार से आग्रह अनुग्रह कर रहे हैं। आज जनता को जब लगा कि भी जिला कलेक्टर भी रहेंगे आज जनसुनवाई में, एसडीएम भी रहेंगे, हमारा विधायक भी रहेगा, तो जनता उमड़ गई और इतनी एप्लीकेशन आई है कि इनसे रजिस्ट्रेशन भी इनके सिस्टम से हो नहीं पाया। अभी भी अपंजीकृत आवेदन अभी पड़े हैं और शाम को पता चलेगा कि कितने सैकड़ों की तादाद में आवेदन आए हैं। तो मैंने जिला कलेक्टर महोदय को और एसडीएम साहब को कहा है कि जनता बहुत त्रस्त है। इस क्षेत्र में 5 वर्ष पहले जो सरकार थी और जो विधायक थे, बड़े बड़े गांवों में पानी की टंकियां बनी रही, राजनीतिक कारण से नहीं जोड़ी गई, उनके मुद्दे मैंने उठाए। एक टंकी नहीं है, विभिन्न पानी की टंकियां थी, इसलिए कि उनकी विचारधारा के वो नहीं थे या उनको वोट नहीं दिया, इस आधार पर काम रोके गए। और लोग चर्चा में करते हैं ये इसका आदमी, ये उसका आदमी, सब राजस्थान सरकार की जनता है, श्रद्धेय है, सम्माननीय है। भजन लाल जी, शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार 8 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की। उस जनसंख्या को पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा बिना राजनीतिक भेदभाव के मिलना चाहिए। वही आग्रह मेरा है आज कि यहाँ जो ढिंडोरा में रहता है उनका विधायक होने के नाते जनप्रतिनिधि मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिना लिंग, जाति, भेद, वर्ग, संप्रदाय, धर्म और उसके राजनीतिक दल के लोगों को पीने का पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और उसके हक जो है वो मिलने चाहिए। उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो न्याय चाहता है, ये मैंने कहा है। हमारा न तो किसी से व्यक्तिगत भेद है, न नाराजगी है, न कोई व्यक्ति विशेष हमारा यहाँ है, हमारी ये सारी डीडवाना की जनता है। 3 दिसंबर को जब मेरे हाथ में विधायक के रूप में सर्टिफिकेट आ गया, उस दिन से लेकर जब तक मैं विधायक हूँ तब तक ये जनता बिना जाति भेद के उनके काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है और उनके लिए सड़क पर जाना पड़ेगा तो जाऊंगा,
प्रशासन के पास जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, विधानसभा में बोलना पड़ेगा तो बोलूंगा, और जो कानून के दायरे में मेरे अधिकार हैं इस जनता की लड़ाई के लिए वो सब इस्तेमाल करूंगा।